हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज संडे था और आज का दिन पूरा निकल गया। आज हम गए थे मॉल। मॉल में बहुत सारा अभी कुछ सीजन सेल चल रहा, तो काफ़ी सेल लगे हुए हैं। सुबह से वैसा कुछ प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने, बस हम चले गए और वहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया और काफ़ी सारी शॉपिंग की। और आने के बाद मैं इतनी थक गई, चाय पीकर और थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद उठकर फ्रेश हुई, होने के बाद फिर अभी खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कुछ शॉर्टकट बनाकर खाकर सो जाते हैं। अच्छा, मैं खाना बनाकर आती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ हमने आज क्या क्या शॉपिंग की। तो चलिए, मैं खाना बनाकर आती हूँ। मैं बनाऊँगी आज एग पुलाव। मैंने एग को बॉईल करके रख लिया है और प्याज भी काट लिया है। यहाँ चावल को भिगो के रखा हुआ है। तो अभी मैं फटाफट कुकर में पुलाव बना लेती हूँ। बाकी दिन तो अंडा फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज बिना फ्राई किए ही बनाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई अब अपना शॉपिंग दिखाने। तो आज का जो शॉपिंग हुआ है वो ये है। और ये इतने बड़े बैग में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरी शॉपिंग हुई है मेरी बेटी की। तो ये H&M में अभी सेल चल रहा, तो जो लोग बेंगलोर में हैं उनको पता है किस टाइम सेल लगता है। और बेंगलोर में फिनिक्स मॉल में है H&M का शोरूम, तो उसमें सेल लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
और आज का पूरा शॉपिंग जो है, ये शॉपिंग हॉल जो हो रहा वो सिर्फ मेरी बेटी के कपड़ों का हो रहा। एक तो मेरी बेटी ने ये लिया है, ये ड्रेस है, डेनिम ड्रेस, और इसमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा इस तरह फ्रिल फ्रिल टाइप बना हुआ है, ये जो पहनकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे थोड़ा ऊपर आ रहा, पर जब उसने ट्रायल रूम में पहन के दिखाया तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो उसके लिए ये लिया। ये बैक में चेन है, जिप लगा हुआ है, और ये स्ट्रैप है इस तरह का, तो ये लिया उसने। और अभी बहुत सारे निकलेंगे। एक दूसरी ड्रेस है ये, इस बार उसने अपने लिए डेनिम ड्रेस काफ़ी सारे लिए हैं। ये बैग से ऐसा है, ये दूसरा हो गया, ये भी सब नीचे थोड़ा ऊपर है, जो पहनने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा। डेनिम का एक उसने शॉर्ट्स लिया है, ये है इसके बटन खोले हुए, वहाँ इसने ट्रायल रूम में देखा था सब पहनकर। ये नी के थोड़ा नीचे आता है, ये भी डेनिम का है, और प्राइस अच्छा, इस पर सेल में ये 699 का मिला है, 699 का ये था सेल में 700, और इसके पता नहीं, इसके देखती हूँ, अच्छा 799 का ये था। ओरिजिनल प्राइस से 1500 है, पर सेल में ये 799, मतलब 800 का ये मिला है, ये वाले जो हैं। इसमें इस तरह से पूरे ओपनेबल बटन लगे हुए हैं, और ये कितने का था, ये 999 का जो फर्स्ट वन दिखाया, ये वाला, ये 999 का लिया है, और ये भी 1500 का था। तो सेल में ये 999 का मिला। एक ये बहुत खूबसूरत सा उसने स्कर्ट लिया है, ये शॉर्ट्स है, नी के ऊपर आ रहे हैं उसके, और यहाँ साइड में इस तरह का जिप दिया हुआ है, और ये कॉटन का है, एक अजीब सा कॉटन है, पता नहीं इस कपड़े को क्या बोलते हैं, पर काफ़ी थिक मटेरियल है, ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था जब उसने पहन के ट्रायल रूम के बाहर आकर दिखाया हमें, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखिए ये लिया, ये कितने का आया, ये 1300। और ओरिजिनल प्राइस था इसका 2299, तो सेल में ये कितने का पड़ा, 1300 का। ये हो गया, कितने हो गए, चार हो गए। अभी बैग में और भी हैं, एक उसने बहुत खूबसूरत सा जैकेट लिया है, ये ब्लैक है, कॉटन टाइप का है, क्या है पता नहीं मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, पर ये फुल स्लीव है, ब्लैक है फुल स्लीव, और
ये काफ़ी एक वो ओवर साइज का जो नहीं आता ओवर साइज जैकेट पहन लेते हैं, वो सामने से भी काफ़ी लूज लूज होता है पीछे से भी, और वो यहाँ क्रॉप जैकेट जो होता है, ये क्रॉप जैकेट है इस तरह से, ये यहाँ यहाँ तक रहेगा, काफ़ी ओवर साइज है। ये कितने का आया? ये 999 का सेल में मिला, 1500 का ये भी था, 999 का एक ये मिला, 4-5 हो गए अभी और भी है। एक उसने बहुत खूबसूरत सा ड्रेस लिया, मेरी बेटी का ऐसा है, उसके शॉपिंग में ब्लैक ज़रूर ऐड होते हैं चाहे कुछ भी हो। एक बार तो ऐसा हो गया कि वो जब भी शॉपिंग के लिए जाती थी ब्लैक ड्रेस उठाकर लेकर आ जाती थी, कुछ भी लेगी ब्लैक लेकर आ जाइए। तो मैंने उसे एक बार धमकी दिया था कि अब ब्लैक नहीं होना चाहिए ड्रेस में कुछ भी। तो एक ये भी कुछ यहाँ वेस्ट पे इस तरह से फ्रिल बने हुए हैं, और वेस्ट के नीचे पूरे काफ़ी इस तरह से लूज लूज हैं। ये भी नी लेंथ के ऊपर है, नी से 2-3 इंच ऊपर आ रहे उसके, और इस तरह से वी नेक बने हुए हैं, ये यहाँ यहाँ तक बने हुए हैं। और ये स्लीव इसका बहुत खूबसूरत है, ये बलून स्लीव होते हैं ना, बलून स्लीव, हाँ बोलने भी नहीं आ रहा, बलून स्लीव, वो ये वही है। यहाँ से तो ठीक है सिंपल है, और यहाँ से इस तरह से बलून बने हुए हैं, और यहाँ जो वेस्ट पे आएगा यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है इस तरह से। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा पहनकर। अच्छा ये कितने का आया है? ये 799 का है सेल में, और ओरिजिनल है 2001999, कैमरे में दिख भी नहीं रहा। वन ट्रिपल नाइन सेल में था 799 का। और एक ये है, ये भी उल्टा करके रखा हुआ है इसने, मैं सीधा करके दिखाती हूँ। पहले से मैंने सीधी करके रखा नहीं, वहाँ बस लेकर मॉल से आ गया, ट्राई किया उसने, डालते गए जो जो पसंद आया। ये एक क्रॉप टॉप लिया उसने, ये वेज कलर का है, बहुत लाइट वेज कलर होता है ना क्रीम कलर का, ये राउंड नेक है यहाँ से, और यहाँ यहाँ क्रॉप टॉप आ रहा है, और यहाँ पे ये फुल स्लीव है इस तरह से। ये भी पहनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसके यहाँ कुछ इस तरह से पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ एक चौड़ा इलास्टिक टाइप इस तरह से है, और ये काफ़ी वो एक स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, ये वही है। तो ये कितने के आए हैं ये भी देख लेते हैं, 699। ये 1300 का था तो 699 का आया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनके आसपास H&M है और वो इंटरेस्टेड है, तो अभी जाके विजिट कर सकते हैं शोरूम में, काफ़ी अच्छे अच्छे सेल लगे हुए हैं। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं मिला, बाकी साल में तो मिल जाता था, इस साल कुछ ऐसा था कि जो पसंद आ रहा था उसमें साइज इशू हो रहा था, और जो साइज मिल रहा था वो पैटर्न पसंद नहीं आ रहा था। एक उसने इस तरह से लिया टॉप, क्रॉप टॉप है और काफ़ी खूबसूरत है, एक ये लिया उसने। तो ये हो गए, ये कितने का लिया उसने
ये तो बहुत ही सस्ती थी, 199, ओरिजिनल प्राइस इसका 399 था, तो 199 का मिला है। और बैग हो गया खाली, तो ये था। और ये जो अभी मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था H&M से, तो ये बहुत खूबसूरत मिल गया था। उस टाइम मैंने 3 या 4 ड्रेस ली थी जिसमें से एक ये है, पर इस साल मेरा बैड लक जो मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इतनी सारी शॉपिंग जो हुई मेरी बेटी की हुई। तब काफ़ी रात हो गई है और मैं कल इस वीडियो को पोस्ट करूंगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरा पुलाव भी बन गया है और मैं खाना सबको खिलाने के बाद बैठ के इस वीडियो को एडिट करूंगी, उसके बाद कल ये पोस्ट करूंगी। और कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो मैं ट्यूजडे पोस्ट करूंगी, और वो एक सरप्राइज़ है, आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, जो मुझे मालूम है पर आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, तो मैं दिखाऊंगी, वो कल बनाऊंगी, याद रखना आप लोग, ट्यूजडे वो मैं पोस्ट करूंगी, देखना ज़रूर वो वीडियो। तो चलो फिर, गुड नाइट।